नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अलीगढ़ में 2 साल की बच्ची के साथ हुई शर्मनाक कृत्य की घटना को लेकर आज गुना कलेक्ट्रेट ऑफिस में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस तरीके की कृत्य करने वालों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे लोगों में डर बना रहे और देश में शांति बनी रहे। अलीगढ़ में जो घटना हुई है, 2.5 साल की बच्ची के संग कृत्य किया गया है, जिसके हाथ पैर काट दिए गए, आंखें निकाल ली गई। ऐसी इतनी छोटी मासूम बच्ची की क्या गलती थी, इस ओर ध्यान दिलाते हुए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि ऐसे कृत्य करने वालों को सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कोई इनको वो नहीं रहम, इनको सीधी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिससे देश में शांति रह सके और इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को डर रहना चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए कलेक्टर द्वारा दिया गया। पास समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।